दोस्तों ये मेरे वॉकिंग्स वीडियो है। शुरुआत में मेरा चलना बिल्कुल नहीं था और लोग मुझे इस तरह से चला रहे थे और मैं 2 मिनट से ज़्यादा चलता नहीं था। पता नहीं शुरुआत से मुझे पता चल गया था कि चलने से मेरा वॉकिंग आने वाला नहीं है, एक्सरसाइज से मेरा वॉकिंग आएगा। लेकिन क्या है कि सबका प्रेशर बहुत था इसलिए मैं थोड़ा चल लेता था सबके लिए, लेकिन मैं फिर भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता था, 2-3 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इस तरह से वॉकिंग कभी नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे ग्लूट्स नहीं है, क्वाड्रोपेल्विक मसल्स नहीं है, एंकल के कोई मसल्स नहीं है, काफ मसल्स नहीं है, तो वो वॉकिंग कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये सारी मैंने जानकारी शुरुआत में गैदर कर ली थी और मैंने थोड़ा थोड़ा पता चल गया था कि भाई ये मुझे कैसे भी करके एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी है, वॉकिंग कम, तो मैं 2-3 मिनट से इतना चलता था और पीछे बैठ जाता था। वैसे भी चेयर रखनी पड़ती थी क्योंकि कभी भी मैं गिर जाता था। देखो मैं इसमें पीछे चेयर रखी हुई है, तो मैं चलना मेरा यानी बहुत ज़्यादा नहीं चलता था शुरुआत में, और ये तय कर लिया था कि मैं एक्सरसाइज से ही स्ट्रेंथ गैदर कर लूँगा, वॉकिंग से नहीं। इसलिए मैं हमेशा पीछे चेयर रखते थे और मैं बैठ जाता था फिर थोड़ी देर चल के। देखो ये थोड़ी देर में ये बैठ गया मैं। इस तरह से मैं एक्सरसाइज ज़्यादा करता था, कम से कम 10-12 घंटा के अप्रोक्स एक्सरसाइज करता था और मेरा ऑटोमेटिक मेरा वॉकिंग इम्प्रूव हो ही रहा था उस तरह से। देखो ये मैं यानी थोड़ा बिना दो स्टिक पे बिना सपोर्ट के थोड़ा थोड़ा चल पाता हूँ। पहले ऐसे नीच पीछे से किसी को पकड़ना पड़ता था, यहाँ भी थोड़ा पकड़ा हुआ है मुझे 2 स्टिक में, और पैर भी मेरे इतने पतले हो गए थे कि मुझे ये मेरा बोझ उठा ही नहीं पा रहे थे मेरे पैर। तो मुझे तय कर लिया था कि मुझे पैर में बहुत स्ट्रेंथ लानी है यानी, और बहुत यानी उसमें पावर लाना है पैरों में, क्योंकि बहुत पतले हो गए थे मेरे पैर। और जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करता जाता था, एक एक महीने में ये सारे वॉकिंग के वीडियो है। ये मैंने जो बैग लगाई हुई है ब्लू कलर की, वो मेरी यूरिन बैग है। मुझे यूरिन पर अभी भी इतना कंट्रोल नहीं है, 40-50% आ गया है, लेकिन अपने आप हो रहा है यूरिन, लेकिन पहले मेरे बिल्कुल कंट्रोल नहीं था 2 साल तक। इसमें भी देखो मैंने बैग में वो यूरिन बैग लगा दी थी, तो इस तरह से क्या वो मुझे परेशान नहीं करे और ये वहीं पे लटकी रहे। ये मेरा थोड़ा थोड़ा वॉकिंग फिर अपने आप इंडिपेंडेंट आने लगा था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं चलता था। ये एक महीने में मैं एक ही बार वीडियो लेता था और हमेशा कंपेयर करके देखता था कि मुझे कौन से मसल्स पे वर्क करना है। इसमें देखो मैं थोड़ा हिलक डुलक यानी इधर उधर जा रहा हूँ, तो ये मैं देखता था कि भाई ये थोड़ा मेरा अभी कमर की एक्सरसाइज, ये काफ मसल्स की एक्सरसाइज, एंकल की एक्सरसाइज मुझे और करनी पड़ेगी, ये सब तय करता था। बेल्ट में हमेशा अंदर भी पहनता ही था, इसमें मैंने बेल्ट अंदर पहना ही हुआ है ताकि मुझे कमर नहीं दुखे, क्योंकि बेल्ट पहनने से कभी भी हमें कमर नहीं दुखती है। तो इस तरह से मैं हमेशा बेल्ट पहन के रखता था, ये धीरे धीरे मेरा वॉकिंग आया है। ये कम से कम 1-1.5 साल के बाद इसमें वॉकिंग के साथ साथ मेरा वो यूरिन बैग मैंने निकाल दी थी, CIC करता था मैं तब, और इसमें काफ़ी थोड़ा कॉन्फिडेंस जैसा आ गया था, लेकिन मैं खड़ा नहीं रह पा रहा था। मुझे कम से कम 4-5 सेकंड का खड़ा रहने का आया था, लेकिन एक ऐसे नहीं कि 1-2 मिनट में खड़ा रह पाऊँ। यहाँ मेरा कॉन्फिडेंस वॉकिंग में अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन खड़ा रहना मेरा फिर भी नहीं आया था, मैं खड़ा नहीं रह पाता था 1-2-3 सेकंड के लिए भी। फिर मुझे बोला गया कि थोड़ा आपको दौड़ना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे दौड़ने के लिए बोला गया, तो मैंने ट्राई किया दौड़ने के लिए पूरा बांध के, लेकिन मेरे पैर में मेरे जो नी लॉक होने चाहिए वो नहीं हो रहे थे, कैसे भी करके मेरे पैर पूरे मुड़े हुए मैं चल रहा हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये चलना ये सब, फिर ये दिसंबर 2017 से मैंने चलना बंद कर दिया और अगस्त 2018 को फिर मैं ये मैंने 2 मिनट में दौड़ा था, तब तक मैंने चलना और वॉकिंग दोनों बंद कर दिया था, कम्प्लीटली बंद कर दिया था, पूरा एक्सरसाइज पे मैंने फोकस किया था, सब कुछ चलना दौड़ना सब बंद करके एक्सरसाइज पे पूरा आया था। 8 महीने के बाद ये मैंने 2 मिनट दौड़ा होगा, फिर भी मुझे इसमें भी मुझे नी लॉक बराबर नहीं हो रहे थे, और सोच रहा था कि कैसे इम्प्रूव होना चाहिए। तो इसके बाद भी मैंने 8 महीना और, यानी कि मैंने ये मई 2000
19 तक चलना और बंद कर दिया। ये देखो मेरे दो वीडियो कंपेयर किए, जनवरी 2017 का वीडियो है उसमें मेरे पैर बहुत ही पतले है, और ये मई 2019 का है उसमें मेरे पैर में देख सकते हो आपने, मैंने कम से कम 15 से 18 किलो वेट गेन किया है और वो भी पूरे मस्कुलर पावर गेन किए है। आपको एक कहीं यानी पूरे वर्ल्ड में आप चेक कर देंगे कि भाई कोई पैरालिसिस पर्सन इतना पावर यानी कोई मस्कुलर पावर शायद मैंने नहीं देखा है कि कोई ला पाया हो। ये पूरा क्या पूरा एक्सरसाइज से ही पॉसिबल हुआ है कि जो इतने पैर मेरे पतले हैं, और ये देखो मेरे पैर कितने मोटे हो गए हैं, यानी तो 18 किलो के आसपास मैंने गेन किया। और ऐसा नहीं है कि खाली पावर फैट, ये पूरे देखो ताकत भी इतनी है पैरों में मेरे, आप पर्सनली भी आके चेक कर सकते हो। लेकिन अभी भी मैं बिना एंकल स्प्रिंट के मैं सीढ़ी नहीं उतर पा रहा हूँ, यानी बहुत ही धीरे धीरे उतरनी पड़ती है क्योंकि मेरे एंकल में अभी इतना पावर नहीं आया है, और पकड़ पकड़ के थोड़ा थोड़ा उतर, मैं कभी ट्राई नहीं करता, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ट्राई किया है। यदि मैं जब सीढ़ी उतरता हूँ तो मुझे बहुत ही यानी इतना वेटेज लगता है कि भाई सोचता हूँ कि भाई ज़्यादा मैं बेयर नहीं कर पाऊँगा, 5-7 सीढ़ी के बाद तो मैं थक जाता हूँ, यानी पूरे मेरे पैर जवाब देते थे। और कभी कभी ये पैर अगर थोड़े भी सीढ़ी पर टच हो जाते हैं लगता है थोड़ा, तो मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ और पूरा इतने ज़ोरों से अंदर दर्द होता है जब ये टच होता है। देखो ये मैं दिखा रहा हूँ कि भाई इस तरह से हमारा टच होता है, तो आपको भी पता होगा कि भाई ऐसे टच होता है तो बहुत दर्द होता है, यानी कि इतना पावर अभी तक उंगलियों में नहीं आया है मुझे, अभी मुझे बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, शायद मुझे एक आध साल और लग जाएगा मुझे ये बैर पैर से मुझे सीढ़ी उतरना चढ़ने से। ये जूते पहन के बड़े अच्छे से मैं सीढ़ी उतर पाता हूँ, देखो ये इसमें दिखा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से, लेकिन मैं हमेशा पूरा सपोर्ट लेके ही मैं उतरता हूँ, कुछ जाली वाली पकड़ के ही, क्योंकि कभी कभी फिसलने का दर्द रहता है। इसलिए आपके भी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सीढ़ी चढ़ो या उतरो कुछ ना कुछ पकड़ के रखो, क्योंकि कभी कभी आधे पैर हमारे सीढ़ी पे अटक जाते हैं और गिरने का बहुत ही यानी चांसेस रहते हैं। इसलिए आप कभी भी इस तरह से सीढ़ी पे इंडिपेंडेंट मत चढ़ो या उतरो इस तरह से। ये देखो मैंने ये रोड पहली बार मैं क्रॉस कर रहा हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई मैं कर पाऊँगा नहीं। दो लोगों को मैंने ऑलरेडी वहाँ रखे हुए थे कि कुछ भी हो तो दौड़ के आए, और ये बीच वाला जो ऑब्स्टिकल था वो मैं पार कर पाऊँगा या नहीं मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा, यानी क्योंकि पैरों में यानी काफ़ी यानी जब मैं स्प्लिन पहनता हूँ एंकल स्प्लिन तो काफ़ी पावर मुझे लग रहा है कि हो गया है। देखो ये मैंने पार भी कर दिया, और खड़ा रहना मेरा 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो व्हीकल को आते जाते देखते हुए मैं यूँ खड़ा रह पाया। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वॉकिंग पे ज़्यादा फोकस करने की जगह आप एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए। अब अगर एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप मसल स्टोन बन जाएगा, मसल्स में पावर आएगा, तो वॉकिंग अपने आप आ जाएगा, उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, वॉकिंग आपको अपने आप ही आने लगेगा। तो दोस्तों बाय, टेक केयर, सी यू लेटर, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, चलिए।